उत्तराखंड की राजधानी से लगभग 128 किलोमीटर दूर एक रहस्यमय शिव मंदिर स्थित है। इस मंदिर को लाखा मंडल शिव मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर अपने रहस्यमय शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के शिवलिंग के पास मुर्दे को रखने पर भी वो कुछ पल के लिए जिंदा हो जाता है। दंत कथाओं की माने तो महाभारत काल में पांडवों को मारने के लिए दुर्योधन ने लाक्षाग्रह का निर्माण किया था, लेकिन पांडव पीछे बने गुफा से बच निकले थे। एक और मान्यता है कि यहाँ युधिष्ठिर ने एक शिवलिंग का निर्माण किया था जो आज भी मंदिर में मौजूद है। आप जानकर अचरज में पड़ जाएंगे कि यहाँ शिवलिंग के पास किसी मुर्दे को रखने पर जीवित हो जाता है, फिर जिंदा हुआ व्यक्ति उठकर गंगा जल ग्रहण करता है और कुछ ही पलों के बाद उसकी आत्मा शरीर को त्याग देती है। यहाँ खुदाई के दौरान पुरावशेष विभाग को विभिन्न आकार और प्रकार के शिवलिंग मिले हैं। मंदिर यमुना नदी के तट पर बरनीगढ़ नामक स्थान के पास स्थित है। माना जाता है कि कोई भी मृत्यु को प्राप्त किया हुआ इंसान इन द्वारपालों के सामने रख दिया जाता था तो पुजारी द्वारा भी मंत्र जल छिड़कने पर वो जीवित हो जाता था। जीवित होने के बाद उक्त व्यक्ति शिव नाम लेता है और गंगा जल ग्रहण करता है। गंगा जल ग्रहण करते ही उसकी आत्मा फिर से शरीर त्याग कर चली जाती है। मंदिर की पिछली दिशा में दो द्वारपाल पहरेदार के रूप में खड़े नजर आते हैं। दो द्वारपालों में से एक का हाथ कटा हुआ है जो एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। वहीं इस मंदिर के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने वाले व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से नजर आता है। महामंडलेश्वर शिवलिंग के विषय में माना जाता है कि जो भी स्त्री पुत्र रत्न की प्राप्ति के उद्देश्य से महाशिवरात्रि की रात मंदिर के मुख्य द्वार पर बैठकर शिवालय के दीपक को एक तक निहारते हुए शिव मंत्र का जाप करती है, उसे एक साल के भीतर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है।